तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्नोलॉजी सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और विवेक आंसर्स का एक नया एपिसोड, आज सोचा थोड़ा सा नेचर का कर लें। थोड़ा पीछे का बैकग्राउंड आपको दिख रहा होगा सब जगह का, एंड यहां से ये रोड जो है काफी बिजी है, क्योंकि यहां से अक्सर ऐसे गाँव का रोड है। तो बिजी का मतलब ये नहीं कि यहां पे आपको 24/7 आपको बाइक्स मिलेंगे, बट आते आते रहेंगे, थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा आपके लिए किया है, देख लीजिए यही गाँव है। चलिए क्वेश्चन लेने की कोशिश की है 20 और उनके आंसर्स देने की कोशिश की इस वीडियो में। चलते से वीडियो की तरफ, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों नहीं पसंद आया। चलते से वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना, ताकि मेरे नोटिफिकेशन वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। और अब मुझे स्विच करना पड़ रहा है अंदर, क्योंकि बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, ऑडियो पूरा खर खर करके आ रहा था, तो मैंने स्विच कर लिया अंदर। मैंने बोला चलो खराब नहीं करते हैं वीडियो को, चलिए चलते पहले क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, अब एक चीज बताना मैं आपको भूल गया, कि अगर आपको इसी वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीक वाले इस वीडियो में अपने क्वेश्चन को लाना है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिखिए। और अगर आपको आंसर अभी के अभी चाहिए, या आज शाम तक रात तक अगर चाहिए आंसर, तो आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, जो मैंने वैसे ही बताया हुआ है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले पहला क्वेश्चन आता है मोहम्मद साहिल की तरफ से, सर आई एम फ्रॉम इंडिया ओनली, डू आई बाय मी 11X फ्रॉम सऊदी अरेबिया, इज इट चीप ओवर देयर? अब चीप होना चाहिए, क्योंकि सऊदी अरेबिया में ग्लोबल वेरिएंट्स होते हैं, वो थोड़े चीप होते हैं एज कम्पेयर टू इंडियन प्राइसेस, क्योंकि यहाँ पे टैक्सेशन पॉलिसी थोड़ी ज्यादा बेटर है। अगर आप वहां से लेते हो तो बैंड भी सपोर्ट पॉसिबली कर जाएंगे, एंड आपको थोड़ा चीप भी मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नूतन प्रिया की तरफ से, रियलमी एक्स 50 प्रो ले ऑफर में, आईक्यू 7 या मी 11X? 11X का कैमरा मोस्ट प्रायोरिटी, अच्छा कैमरा मोस्ट प्रायोरिटी, आईक्यू 7 ज्यादा बेटर है अगर आप तीनों में कंपेयर करते हो तो, कैमरा के हिसाब से, उसमें OIS का सपोर्ट है, सारी चीजें हैं, तो आईक्यू 7 का कैमरा ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू बाकी दोनों, अगर आप कंपेयर करते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सुमन नाथ की तरफ से, विवेक भाई इंडिया में कब और किस प्राइस ला सकते हैं रेडमी का K40 गेमिंग फोन MD 1200 वाला? ये फोन आपको पॉसिबली मिलेगा मे एंड तक, पॉसिबली, हाँ उसके भी आगे हो गया तो नहीं कह सकता, लेकिन पॉसिबली मे एंड तक आएगा। एंड सेकंड प्राइसिंग इसकी 30,000 या उससे ऊपर होगी, उससे कम एक्सपेक्ट मत करना। वैसे भी पोको के नाम से आने वाला है, तो अनुज कुमार जो, उन्होंने कहा भी है कि पोको जो फोन लाएगा नेक्स्ट थोड़ा महंगा होगा गेमिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है देवाशीष कुमार की तरफ से, हैशटैग विवेक आंसर्स, भैया सैमसंग गैलेक्सी A52 5G वर्जन कब लॉन्च होगा इंडिया में? ये फोन तो लिस्ट हुआ था, हाँ लिस्ट हुआ था, BIS पे लिस्ट हुआ था, और इंडिया का जो IMEI डेटाबेस है उसके ऊपर भी लिस्ट हुआ था। जब मैंने वीडियो बनाया था लिस्ट होने का, तो उस टाइम मैंने कहा था कि ये आपको मे एंड के आसपास पॉसिबली देखने को मिल सकता है, वेट कर लीजिए तब तक अगर आता है तो। और अगर F52 5G, बहुत सारे हैं भाई क्या करोगे, और अगर F52 5G आया तो क्या A52 5G नहीं आएगा? F52 5G डिफरेंट फोन है, उसमें IPS का पैनल है, A52 5G में आपको सुपर मोड का पैनल मिलता है, डिफरेंट फोन से दोनों, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक आएगा दूसरा नहीं आएगा, एंड हो सकता है कोई एक भी है, ये तो सैमसंग के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन दोनों डिफरेंट फोन हैं टोटली। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया F52 5G के ऊपर, जाके जरूर देखिए। चलिए वेन 5G अंडर 10K, ये पूछ रहे हैं Tech22, पॉसिबली ये साल के एंड तक आपको देखने को मिल जाएगा, ये साल खत्म होने तक। अभी 15,000 में Realme 5 आया हुआ है, एंड नेक्स्ट वाला पोको M3 Pro पॉसिबली आपको देखने को मिलेगा 13-14,000 की प्राइस पे, 10,000 तक आपको मिल जाएगा ये साल के एंड तक आ जाएगा, कंफर्म श्योरिटी है कि ये साल एंड होने से पहले आपको 10,000 का 5G फोन देखने को मिल जाएगा। सर OnePlus Nord 2 कब आएगी? वो N10 और N100 तो लिस्ट हुए हैं, एंड कहा जा रहा है 1.5 महीने में आ जाएंगे, Nord 2 के भी न्यूज आ रहे हैं, बट इंडिया लॉन्च के अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन खास कुछ है नहीं। N10 और N100 का वेट कर रहे हो तो वो मिल जाएंगे आपको जल्दी ही, आने वाले हैं इंडिया में। Nord 2 का कुछ इन्फॉर्मेशन तो आए थे, बट ज्यादा कुछ खास नहीं है इसके बारे में अभी तक। अगर आपके हर वीडियो देखते रहेंगे तो शायद, अच्छा ये कह रहे हैं राखिल पटेल, अगर आपके हर वीडियो देखते रहेंगे तो शायद एक भी क्वेश्चन पूछना नहीं पड़ता है, रियली गिविंग नाइस एंड वेरी डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑल थिंग, थैंक यू वेरी मच। एंड हाँ ये सही है, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरे वीडियोज आप जाके देखिए, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन मैं लेता हूँ ना, इसमें 30-40% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर मैं नियर अबाउट 1-1.5 महीने पहले दे चुका हूँ, एंड काफी क्लियर और डिटेल में दिया है मैंने, तो अगर आप कंटिन्यूसली फॉलो करते हो मेरे वीडियोज ना, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगा कि हाँ इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है पहले से, क्योंकि मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जहीर जेड खान की तरफ से, आईक्यू 7 वर्सेस पोको F2 विच वन टू गो फॉर? पोको F2 कहाँ आया हुआ है? पोको F3 जो है वो इंडिया में मी 11X के नाम से आया हुआ है,
तो अगर आप दोनों को कंपेयर करते हो तो आईक्यू 7 के स्पेसिफिकेशन कैमरा वाइज थोड़ा बेटर है, चार्जिंग वाइज थोड़ा बेटर है, तो कुछ चीजों में थोड़ा सा बेटर है। हाँ, उसमें आपको छोटा वाला वेरिएंट नहीं मिलता 6GB 128GB, लेकिन 8GB 128GB सारे ऑफर लगाए कुछ 28,000 तक आ सकता है। इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है मैंने, जाके जरूर देखिए आईक्यू 7 कैसे 28,000 तक खरीद सकते हो आप, और ज्यादा बेटर है मी 11X से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अयप्पा दास नायर की तरफ से, हैशटैग विवेक आंसर्स। हेलो सर, विल रेडमी बी लॉन्चिंग एनी 5G विद इन 17K फोन्स इन इंडिया एंड बाय व्हेन? पॉसिबली नेक्स्ट एक महीने में। रेडमी का तो नहीं आएगा, पोको M3 प्रो आएगा, वही रेडमी का फोन यहाँ पे रीब्रांड हो जाती है, तो वो फोन आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट एक महीने के अंदर, और प्राइस उसकी 13-14,000 के आसपास होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑक्सीजोन की तरफ से, व्हेन 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन? अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, अभी तो कोरोना के केसेस चल रहे हैं। बीच में आया था कि अप्रैल तक करते थे, लेकिन उसको पोस्टपोन कर दिया उन लोगों ने, एंड अभी नया डेट नहीं आया। एंड 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन की आप बात कर रहे हो, अभी 5G आपकी कंट्री में लॉन्च होने में नियर अबाउट 1.5 से 2 साल बाकी है, लॉन्च होने की बात कर रहा हूँ। लॉन्च होगा तो कुछ सिलेक्टेड सिटीज में ही रहेगा, मुंबई, दिल्ली, ऐसे मतलब 8 tier cities है वहां पे। उसके बाद 2 tier cities में जाने में अभी भी 3 साल के आसपास का टाइम है, फिर उसके बाद 4, 4.5, 5 साल, 6 साल में वो अब 4G बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया में जहां पे नहीं पहुंचा हुआ है, 4G 2011 का लॉन्च हुआ है, तो टाइम लगेगा अभी। आप कहां से हो उस बात पे भी डिपेंड करता है, तो अभी टाइम है, वेट कर सकते हो। इसके ऊपर 2 videos मैंने बनाया था कि 4G फोन ले या 5G फोन, तो जब 14-15 महीने पहले बनाया था, तो उसके कमेंट सेक्शन में जाकर देखो, ऐसे बोलते हैं, ऐसे लगता है कि 5G उनके मौसा ही लेके आ रहे हैं, अभी पहुंचे गया नानी के घर पे, अभी आने ही वाला है, ऐसा मतलब कल परसों, 1 साल 2 महीने हो गए अभी तक 5G का कोई नामो निशान नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रशांत कुमार सिंह की तरफ से, सर LG विंग लेना सही है अंडर 30K या कोई और फोन लूं? प्लीज सजेस्ट, लव फ्रॉम पटना। अगर आपका बजट 30,000 है, देखिए LG विंग एक बहुत अच्छा फोन है, खाली डिस्प्ले की वजह से नहीं बोल रहा हूं, 765G 30,000 में सुपर एमोलेड का, एमोलेड का पैनल है ओलेड का, एंड सारी चीजें आपको मिलती हैं, ऐसा नहीं कि कोई चीज खराब है उसमें, बहुत अच्छा फोन है। LG अपडेट भी देगा, LG ने खुद कहा कि हम अपडेट देने वाले हैं, LG का इलेक्ट्रॉनिक्स तो वैसे रहने ही वाला है, खाली फोन को उन लोगों ने बंद किया बनाना बस, और कुछ बंद नहीं किया है। तो एक बहुत अच्छा फोन है LG विंग 30,000 की प्राइस पे, एंड काफी ट्रस्टेड ब्रांड भी है LG, ऐसा नहीं कि जाने दीजिए, तो आप ले सकते हो, लेकिन एक चीज है, काफी नाजुक है, आपको काफी ध्यान देना पड़ेगा, एंड थोड़ा वेट है उसका, वजन है थोड़ा सा, कैमरा भी अच्छा है, सारी चीजें अच्छी है, तो आप देख सकते हो। अगर आपको थोड़ा वेट वाला फोन चल जाएगा, 250 ग्राम के आसपास उसका वेट है, तो अगर आपको चल जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड काफी खूबसूरत भी है फोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आदित्य चौधरी की तरफ से, भाई रेडमी नोट 10 प्रो में मैंने सुना है उसके डिस्प्ले में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? आप एक वीडियो बनाओ उसका, उसमें कुछ स्वाइप करने में थोड़ा सा इश्यूज हैं, एंड रेडमी ने कहा है कि ये जो इशू है ये 1% से भी ज्यादा कम स्मार्टफोन में है, मतलब 100 फोन बिकते हैं तो उसमें किसी एक में आ रहा है ऐसा, एंड अपडेट उन लोगों ने दे दिया है, कह रहे हैं वो उसको करेक्ट करने का। अब जिनके पास है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि भाई अपडेट आया कि नहीं, लेकिन ये एक इशू है, लेकिन बहुत उन्होंने कहा कि बहुत एक आध दो ही स्मार्टफोन में, अब ब्रांड वाले तो ऐसे कहते हैं किसी में भी नहीं है, लेकिन हाँ मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि उसके डिस्प्ले में ये इशू आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलाश शर्मा की तरफ से, भाई अमेजोन और फ्लिपकार्ट की सबसे बड़ी सेल कब आएगी स्मार्टफोन्स के लिए? दिवाली के आसपास आती है, दिवाली के पहले, जो उनका बिग बिलियन डे सेल सैमसंग का फ्लिपकार्ट का होता है, उसके आसपास सबसे बड़ा सेल वही रहता है उनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है SK अल्ताब की तरफ से, रियलमी GT Neo कितना प्राइस होगा? इंडिया में रियलमी GT Neo के लिए वेट करना होगा? अभी तो 4 तारीख को लॉन्च करने वाले थे वो लोग, लेकिन बाद में उन्होंने पोस्टपोन कर दिया क्योंकि कोविड का इशू चल रहा है। तो रियलमी GT Neo का प्राइस, ये इंडिया में रियलमी X7 Max के नाम से आने वाला है, प्राइस इसका 30,000 के नीचे ही होगा जो भी होगा, एंड लॉन्च का उन्होंने तो कुछ कहा नहीं है, तो देखते हैं, लेट्स सी कब तक आता है, जैसे आएगा वैसे इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है श्रीकांत बर्वे की तरफ से, व्हाट इंप्रूवमेंट्स एंड फीचर्स कैन बी एडेड थ्रू सॉफ्टवेयर अपडेट्स इन मोबाइल फोन? मेक अ वीडियो ऑन टेक टर्म्स लाइक दिस ऑन 1 Tech एपिसोड, दिस विल वेरी वर्दी। वीडियोस की बात करूं तो मैंने 3-4 videos बनाए थे, बहुत सारे एक्सप्लेन करने के लिए टर्म्स एंड बहुत सारी चीजें क्या होती है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लीजिए कितने व्यूज आए हैं उसके ऊपर, ठीक है? तो एक यूट्यूबर सर्वाइव करता है ऑब्वियसली व्यूज के ऊपर, क्योंकि उसी से उसका इनकम होता है, एंड मैं ज़्यादा, आप देखोगे कि अब बहुत ज़्यादा प्रमोशंस करता नहीं हूँ किसी के, तो मेरे जो भी इनकम है इन्हीं के ऊपर, व्यूज़ के ऊपर ही बेस्ड है, एंड बहुत ज़्यादा होती नहीं है, मैं बता नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा होती नहीं है। लोगों को लगता है कि मैं लाखों रुपए कमाता हूँ, ऐसा नहीं होता भाई, उतना ही होता है जितनी आपकी सैलरी होगी पॉसिबली,
उससे कम ही शायद। तो वीडियोस बनाना ठीक है क्योंकि इन पे बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। जब मैं स्मार्टफोन वाले वीडियोस बनाता हूँ तो रीड करता हूँ स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन, बहुत इजी होता है बनाना एंड उन पे व्यूज बहुत ज्यादा आ जाती है। लेकिन ऐसे टेक टर्म्स वाले वीडियोस बनाना काफी रिसर्च करना पड़ता है, उसके बाद वीडियो बनता है एंड व्यूज 2,000, 3,000, 4,000 ऐसे ही आते हैं। थोड़ा सा बुरा लगता है, मैंने 3-4 वीडियो कंटिन्यू बनाए थे प्रोसेसर से लेके चार्जिंग वाले से लेके कैमरा से लेके 48 मेगापिक्सल क्यों बेटर है 108 से अगर अच्छा ऑप्टिमाइजेशन है, सारी चीजों के ऊपर बनाया था लेकिन कुछ खास रिस्पॉन्स मिला नहीं, इसके बाद मैंने स्टॉप कर दिया। चलिए, व्हाट इंप्रूवमेंट्स एंड फीचर्स कैन बी एडेड। एक चिपसेट उस स्मार्टफोन का एंड वो ओएस जितने भी फीचर्स सपोर्ट करता है वो इंप्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं, एंड उसको एक वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल है क्योंकि अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग फीचर्स होते हैं, थाउजेंड्स में होते हैं, तो 5-7 मिनट के वीडियो में कवर कर पाना उसको इम्पॉसिबल है। आप इतना समझ लीजिए कि एक चिपसेट जितने भी फीचर सपोर्ट करता है और उसका ओएस जितने भी फीचर सपोर्ट करता है वो सारी चीजें सॉफ्टवेयर अपडेट से डाली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बियॉन्ड शॉट्स हैशटैग विवेक आंसर, सर क्या हम 4G फोन में 5G डोंगल के जरिए 5G चला सकते हैं? नहीं चला सकते, उसमें मॉडेम होना चाहिए ना, मॉडेम नहीं रहेगा तो आप नहीं चला पाओगे। एंड थैंक्स सर, योर वीडियोज आर रियली इन्फॉर्मेटिव, आई लर्न सो मच अबाउट टेक, थैंक यू वेरी मच। आप देखते हो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन नहीं चला सकते, उसमें मॉडेम होता ही नहीं तो कैसे चलाओगे आप। चिपसेट सपोर्ट करना चाहिए ना, चिपसेट सपोर्ट नहीं करता। सर सैमसंग गैलेक्सी M42 वैल्यू फॉर मनी होगा? ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, ठीक फोन है, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत खराब है क्योंकि उसमें नॉक्सी सिक्योरिटी है जो कि बेस्ट है, वो एक प्लस पॉइंट है। सैमसंग का फोन है तो सर्विसेज उसके अच्छे हैं, देन उसका चिपसेट उसका बहुत अच्छा है 750G का, तो कुछ चीजें अच्छी हैं। तो उसके बाद HD+ का डिस्प्ले वो थोड़ा बुरा लगेगा आपको, देन 18 वाट का चार्जर रहता है, तो प्लस पॉइंट प्रोज भी है कॉन्स भी है। स्मार्टफोन अपनी प्राइस पे ठीक है मेरे हिसाब से। प्लीज रिप्लाई, और शुड आई वेट फॉर सैमसंग गैलेक्सी M62? M62 का अभी कोई कुछ न्यूज ही नहीं आ रहा है, एक बार आया था लिस्ट हुआ था, उसके बाद कोई खास न्यूज आया नहीं उसका। अब जैसे और कुछ न्यूज आता है वैसे आपको बता दूंगा, लेकिन M62 के बारे में अभी तक कोई खास न्यूज आई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विमल कुमार की तरफ से, Mi 11X और Mi 10T में कौन सा बेस्ट है? दोनों के अपने पॉइंट्स हैं, मैंने कंपैरिजन का वीडियो बनाया हुआ है। Mi 11X में सुपर एमोलेड का पैनल है तो बेटर कैमरा चाहिए, तो Mi 10T की तरफ चले जाओ, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं दोनों के, इवन बड़ी बैटरी भी आपको Mi 10T में मिलता है, तो दोनों के अपने अपने पॉइंट्स हैं, आप उस हिसाब से देख सकते हो, मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ, जाके जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डेनियल रियंग की तरफ से, बॉल कटिंग कर दो आपका? अच्छा, बॉल कटिंग कर दो, अच्छा बाल कटिंग कर दो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नील सीमाना की तरफ से, Mi 11X प्राइस इज वेरी लो इन चाइना बट वाई हाई इन इंडिया, कैन सैमसंग F62 रिप्लेस द पोजीशन ऑफ Mi 11X? F62 कहाँ है, Mi 11X कहाँ है? Mi 11X फ्लैगशिप में चला जाता है, F62 मिड रेंज का सबसे स्मार्टफोन है। शुड आई बाय सैमसंग नोट 10 लाइट राइट नाउ? आप एक कौन से वाले का मैं आंसर दूं? अगर आपका बजट है तो आप देख सकते हो। अच्छा चाइना वाले का बताता हूँ, चाइना क्या है कि चाइना में सारी चीजें बनती हैं, तो वहीं पे बनती है, वहीं पे स्मार्टफोन बनाना इजी है, एंड टैक्स भी होता है ना, कि इंडियन गवर्नमेंट का एंड चाइना का भी यही पॉलिसी है कि अगर इंडिया की बनी हुई चीजें चाइना में जाएंगी तो इंडिया से महंगी रहेंगी वहां पे, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि वो प्रमोट करते हैं अपनी यहाँ की चीजें, वैसे इंडिया में होता है, इंडियंस जो है अपने, इंडियन गवर्नमेंट जो है अपने यहाँ की चीजें प्रमोट करती है, तो इसीलिए बाहर से जो चीजें आती है उसके ऊपर टैक्स लगता है। माइक्रोमैक्स ने कैसे रेडमी को टक्कर देने के लिए फोन निकाल दिया? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बनाया था मोस्ट ऑफ द चीजें, कुछ चीजें थी बाहर की, लेकिन इसीलिए उनको ज्यादा इजी पड़ा यहाँ पे करने के लिए क्योंकि वो इंडियन ब्रांड्स हैं। तो बाहर मी जो ब्रांड है वो चाइना की ब्रांड है, इसीलिए बाहर से आती है तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, इसीलिए उनके फोन जो होते हैं महंगे होते हैं। चलिए ये क्वेश्चन थे 20, आप वाला आया कि नहीं जरूर बता देना। कैसा लगा वीडियो ये भी बता देना। आई विश कि मैंने कोशिश की हो सारे क्वेश्चन के आंसर देने की, और अगले अगर एपिसोड में आपको आना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए अपने क्वेश्चन, वहीं से पिक करता हूँ क्वेश्चंस को, कोशिश करता हूँ जो सबसे यूनिक हो उन क्वेश्चन को पिक करने के लिए। नॉर्मली अगर आपको स्मार्टफोन वाले क्वेश्चन हैं, कौन सा लूँ, ये वाला चाहिए वो वाला चाहिए, तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हो। और कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, पसंद आया लगे मैंने शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं उन्हें भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट करना खास नहीं करना, साइड में देखो व्यक्ति में उसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और सपोर्ट कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ना कर साथ, तब तक के लिए दोस्तों